हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे भिंडी को अच्छे से साफ कर लिया है और ये सूख चुका है। भिंडी में पानी नहीं रहनी चाहिए। अब हम इस साइड से काट देंगे और इस तरफ से भी, और इसे हम इतने बड़े साइज में काट कर बीच से एक बार इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरीके से। इसी तरह हम सभी भिंडी को काट कर तैयार कर लेंगे। तो हमने सभी भिंडी को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल और इसे गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई भिंडी। गैस को यहाँ पर हम मीडियम कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और भिंडी भी हल्का भुना चुका है। इसे ज़्यादा नहीं भुनना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 1 मिनट पूरा हो चुका है और प्याज भी हल्का भुना चुका है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे, 1/2 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च जिसे हमने लंबे लंबे आकारों में काट लिया है और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है और इसे हम चला लेंगे। इसे भी हम बस 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे। तो अब 1 मिनट पूरा हो चुका है और प्याज भी हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे हम गैस को लो कर लेंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर कद्दूकस किया हुआ। आप इसके जगह पर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर बारीक काट करके भी आप डाल सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसे चला लेंगे और हम इसमें डाल देंगे भिंडी और प्याज और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और हम इसे ढक के तब तक पकाएंगे जब तक भिंडी अच्छे से पक ना जाए। गैस को हम लो ही रखेंगे। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो भिंडी अच्छे से पक चुका है तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यह भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह भिंडी की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। I'm gonna go get some more.